आगरा में अहमदपुर से सपा प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह ने किया तूफानी जनसंपर्क। आप सभी जानते हो प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियों के प्रत्याशी अपने पूरे दमखल के साथ मैदान में उतर गए हैं। वहीं हम बात कर रहे हैं आगरा विधानसभा अहमदपुर की, जो तूफानी अंदाज में जनसंपर्क करते नजर आए। सपा प्रत्याशी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान का कहना है कि मुझे सभी वर्गों से भरपूर समर्थन मिल रहा है और जनता का प्यार मिल रहा है। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान ने क्षेत्रीय महासभा के संरक्षक अध्यक्ष से समर्थन मांगा। संरक्षक और अध्यक्ष ने जीत का आश्वासन देकर अपना समर्थन डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान सपा प्रत्याशी को दे दिया। विजय सोलंकी, आगरा समाचार 24। तो सब आपके सामने जो विरोधी हैं, काफी समय से राजनीति से जुड़े आ रहे हैं, उनके विकास कार्य भी जनता के प्रति किए गए हैं, व्यक्तित्व भी उनका जनता के प्रति ठीक ही रहा है। ऐसी विषम परिस्थिति में आप अपने आप को कैसे निखार करेंगे, कैसे प्रभाव करेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान, मैं RBS कॉलेज का छात्र था, उसी समय से छात्र समस्याओं के समाधान के लिए पूरे आगरे में डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान का नाम प्रसिद्ध था। उसके बाद मैं प्रोफेसर हुआ और शिक्षक और छात्र समस्याओं के लिए डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान ने अनवरत अब तक अपना अभियान जारी कर रखा है। उसी का परिणाम है कि इंटेलेक्चुअल क्लास आसानी से अपना प्रतिनिधि नहीं मानती, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश के लगभग 331 एडिड कॉलेज हैं, 174 हमारे गवर्नमेंट के कॉलेज हैं, लगभग 10,000 हमारे सेल्फ फाइनेंस के डिग्री कॉलेज हैं, उस सबका नेतृत्व करना जिन्हें 2,00,000 रुपये पगार मिलती हो आसान काम नहीं है। उन्होंने मुझ में कुछ कुछ लिखा होगा। जहाँ तक समाज की बात है, मैं छत्रीसभा जिला आगरा का बहुत लंबे समय तक अध्यक्ष था। आज भी मैं जहाँ समाज के ऊपर कोई भी बात आती है, हरेक के सुख दुख में डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान हमेशा अपने बुजुर्गों का साथ लेकर, जिसमें ठाकुर भूरी सिंह परमार जी हैं आदरणीय, हम सब लोगों के जिले के संरक्षक हैं आदरणीय है। ठाकुर गौरी शंकर सिंह जी चौहान हम लोगों के संरक्षक हैं, आदरणीय ओम प्रकाश जी चौहान हैं, और यहाँ तमाम ऐसे जिले में और महानगर में लोग हैं, तो उनके आशीर्वाद से मुझे इतनी ताकत मिली कि मैं हर क्षत्रिय समाज के समाधान करने में भगवान ने मुझे सफलता प्रदान। अगर आप विधायक होते तो युवा के लिए आप विकास के क्या ऐसे उद्यम लाएंगे? अगर यहाँ की जनता मुझे विधायक के रूप में चुनती है, सबसे पहला काम मेरा जो सामाजिक सौहार्द है उसको स्थापित करना होगा, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। एक पार्टी विशेष के लोगों ने जिस तरह से पूरे देश का आपसी सौहार्द बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, मेरा ये प्रयास होगा कि आपसी सौहार्द कायम रहे, भाईचारा कायम रहे, ये मेरी सबसे बड़ी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। जहां तक नौजवानों की बात है, आपने देखा कि जब उत्तर प्रदेश में सरकार का 2017 में गठन हुआ, इन लोगों ने कहा कि हम हर साल 10,00,000 लोगों को नौकरी देंगे। नौजवान इतना हताश है कि 10,00,000 की क्या चली, इन्होंने जो लोग नौकरी पे थे उनको भी बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया। आज पूरे मैं देख रहा हूं मेरी विधानसभा में तमाम शिक्षा मित्र बेघर हो गए, तमाम कर्मचारी पेंशन उनकी छीन ली गई, जो बुढ़ापे का सहारा पेंशन होती है और उस लाठी को छीनने का काम किया है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। तो जिस तरह से बुजुर्ग आदमी हमारा लाठी उसके छीन लेता है कोई बच्चा, तो धड़ाम से गिर पड़ता है। तो मैं कह रहा हूँ, जो भी हमारी लाठी को छीनेगा ऐसे ही वो धड़ाम से गिरेगा,
इस समय कोई दुनिया की ताकत उसको रोक नहीं सकती।